बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में ई पोर्टल वेबसाइट पे जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं ये बताएंगे, क्योंकि बहुत से भाई लोग का ये भी मुझसे सवाल है। तो मैंने बोला कि वीडियो बना दो जो और भाई लोग वैक्सीन सबमिट करने के लिए भी आ रहे हैं ई पोर्टल पर, तो उनके लिए आराम हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स खुद से बना सकते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स भी बनाना बताऊँगा आपको, और उसके बाद इसकी PDF किस तरह कन्वर्ट करता हूँ वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले आप एक ऐप देख रहे हैं, और डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना बताऊंगा। तो डॉक्यूमेंट्स में जैसे ज़रूरी, जैसे आपकी वैक्सीन सर्टिफिकेट, तो इंडिया के अंदर PDF ही ओनली ऑलरेडी पहले से मिलती है। हमारे सामने जो इंडिया के अंदर कंडीशन आती है कि पासपोर्ट, क्योंकि इंडिया डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट की फ्रंट भी चाहिए और बैक भी चाहिए होता है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का सिंगल सिर्फ पासपोर्ट डाउन सबमिट कर देंगे हो जाएगा। बांग्लादेश का भी यही कंडीशन है, नेपाल का भी। सिर्फ इंडिया के अंदर जो है आपको बैक साइड का भी डालना पड़ता है, फ्रंट साइड का भी डालना पड़ता है फ़ोटो, तो इसलिए इंडिया वाले लोग के लिए थोड़ा मुश्किल होता है वैक्सीन सबमिट कर पाना। तो बहुत ही आसान तरीके, इसमें घबराना नहीं है। तो आप एक देख सकते हैं, एक ऐप है मेरे सामने, जिस तरह मैं बनाता हूँ इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा, तो फिर आप इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देख सकते हैं यहाँ एक फिक्सर लैब ऐप है, इसका लोगो इस तरह है। आप इसे डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। चलिए हम इसे ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम इसे यहाँ कैंसिल करते हैं, और देख सकते हैं आपके सामने ये इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इसका कलर वाइज है, बहुत सारे हैं, तो हमको सिर्फ वाइट ही चाहिए बैकग्राउंड, हम वाइट ही रहने देंगे, ठीक है, ये वाइट है। तो इसके बाद यहाँ आपको कहीं कुछ नहीं करना, इसमें कहीं कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो यहाँ प्लस आइकन है, हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ फ्रॉम गैलरी, ई गैलरी पर लेके जाएगा हमको। मैं थोड़ा इसे ब्राइटर कर दूँगा, थोड़ा आप लोग देख के समझ जाना है कि आप लोग यहाँ क्या करना है। सबसे पहले हम अपना अकामत सिलेक्शन करेंगे। अकामत सिलेक्शन करने के बाद यहाँ देख सकते हैं जो हमको नहीं चाहिए, जो गैर ये सब सारी चीज़ें, जो बैकग्राउंड जो ज़्यादा है हमें वो सब नहीं चाहिए, तो हम इसको यहाँ नीचे से सिंपल इसको ऊपर की तरफ ऐसे कर लेंगे ये मार्किंग को, और उसके बाद हम यहाँ ऊपर से इसको नीचे ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ साइड से थोड़ा इसको कट कर लेंगे। ख्याल रखिए कहीं आपके कोई भी फोटोज़ और अकामा या डॉक्यूमेंट्स की कोई कॉर्नर नहीं करने चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गई है, हमारा सारी चीज़ कंप्लीट हो गई। हम इसे यहाँ डन पे क्लिक करेंगे। अभी देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया, हम इसे यहाँ इस तरह कर लेंगे, इस तरह बड़ा छोटा भी होता है, देख सकते हैं बड़ा छोटा होगा, तो हमको सिर्फ इसको यहाँ इस तरह रख लेना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने थोड़े से ब्लाइडर किया है कि सिक्योरिटी रीज़न के लिए, आप इशारा देख देख के समझ जाइएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये कंप्लीट हो गया, आप इसे जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं, इससे छोटा भी कर सकते हैं, पर हमको इसी साइज में रहने देना है, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ इसे यहाँ देख सकते हैं मेमोरी मार्किंग, इसे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव इमेज पर क्लिक करेंगे, सेव टू गैलरी पर क्लिक करेंगे। ये हो गया अकामा। अब जो जहाँ सबसे ज़्यादा बात आती है कि पासपोर्ट को कैसे एक साथ जमा करें, तो हम इसे कलर चेंज कर लेते हैं बैकग्राउंड पहले। अब यहाँ हम सिलेक्शन करेंगे प्लस आइकन पे, यहाँ हम गैलरी पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ देखें हमारा ये पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट, हम पहले पासपोर्ट फ्रंट साइड को क्लिक करेंगे। देख सकते हैं हमको सिर्फ आगे का फ्रंट लेना है। उसके बाद देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें इसको हम कट करना है, तो हम सबसे पहले यहाँ नीचे से शुरू करेंगे, ये हो गया हमारा। फिर हम ऊपर से इसको लेंगे, और हाँ इतना काफ़ी है, ठीक है। ये थोड़ा सा हल्का सा साइड से भी ले लेंगे, ये कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम यहाँ ओके करेंगे, और इसके बाद थोड़ा हम इसे बड़ा कर लेंगे। इसे थोड़ा साइड से ही बड़ा कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा वन पेज। अब हम सेकंड पेज को क्लिक करेंगे, देख सकते हैं सेकंड पेज है, यहाँ से सेकंड पेज को क्लिक करेंगे। अब इसको यहाँ से हम नीचे कट करेंगे, फिर ऊपर से हम कट करेंगे इसे, और उसके बाद हम यहाँ डन पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं ये आ गया है। अब इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसे साइज का ले लेते हैं,
देख सकते हैं ये हमारा पासपोर्ट भी कंप्लीट हो गया है, ऊपर फ्रंट हो गया, नीचे बैक हो गया है, और इसे हम सेव पे क्लिक करेंगे, सेव टू गैलरी पे क्लिक करेंगे। तो मैंने दो फोटो बना ली, ठीक है। तो अगर आप नेपाल के हैं, पाकिस्तान के हैं, अगर आपके पास भी पासपोर्ट है तो आपको भी ये ऐप जो है यूज़फुल है, क्योंकि जो गैर ज़रूरी चीज़ जो साइड में होती है, कहीं अंगूठा आ जाता है तो कहीं चादर आ जाती है, कहीं कुछ आप जो बेड पे फ़ोटो रख के खींचा, टेबल पर फ़ोटो रख के खींचा, तो उसको काटने के लिए आपके लिए आराम हो जाएगा। ये मेरी गैलरी में फ़ोटो सेव हो गए। चलिए हम अब चलते हैं, अब हम आपको PDF बनाना बताएंगे, PDF किस तरह बनाते हैं इसकी, बहुत सिंपल तरीका PDF का। तो आप एक ऐप देख सकते हैं, मेरे पास एक ऐप है PDF मेकर, ये ऐप देख सकते हैं PDF मेकर, हम इसे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं फोटो टू PDF, हम यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट इमेज, हम यहाँ क्लिक करेंगे, देख सकते हैं जो मैंने जो पासपोर्ट बनाए थे वो यहाँ आ गए, जो दोनों को मैं एक साथ जमा किए थे वो यहाँ आ गए। पासपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर में इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं मेक PDF। अब हम इसे क्लिक करेंगे, यानी इसे बोलते आप इसे PDF में कन्वर्ट कर लें। हम यहाँ नाम चेंज कर लेंगे, जैसे मान लीजिए कुछ भी नाम लिख सकते हैं जिनका पासपोर्ट मैं बना रहा हूँ PDF, मैं उन्हीं का नाम डाल देता हूँ। ये लिखने के बाद हम यहाँ ओके क्लिक करेंगे, ये हो गया। अब यहाँ इसे हमें ओपन करके चेक भी कर सकते हैं और यहाँ जिनका है हम उसे शेयर भी कर सकते हैं। चलिए हम उसे शेयर कर देते हैं, शेयर PDF, देख सकते हैं व्हाट्सअप है, सारी चीज़ें। आप इसे गूगल ड्राइव में भी सेव कर सकते हो, गूगल ड्राइव में सेव करने से आपके आराम ये रहेगा कि जब वैक्सीन साइट पर वैक्सीन सबमिट करने जाएंगे तो आपको सिंपली अपनी जो वहाँ गूगल ड्राइव खुलेगी तो वहाँ गूगल ड्राइव से डायरेक्ट वहाँ वैक्सीन सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहीं सेव कर लेते हैं, और यहाँ हम सेव करने के बाद जैसे हम वहाँ वैक्सीन सबमिट करने जाएंगे सिंपली वहाँ आपको ये ईमेल खुलता है आपका ड्राइव, आप ड्राइव से ही क्लिक डायरेक्ट वहाँ सबमिट करके अपनी वैक्सीन सर्टिफिकेट वहाँ सबमिट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा, और इसके बाद हम फिर जाएंगे सेलेक्ट इमेज पे, क्योंकि अब हमको आकामे की जो हमने बनाई थी अब हमको आकामे की चाहिए। तो देख सकते हैं ये हमने आकामा बनाया था, हम इसे सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए जो हमने अकामा बनाया था वो अकामा है। फिर इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, मेक PDF पे क्लिक करेंगे, नाम डालेंगे हम, उसके बाद ओके क्लिक करेंगे, देख सकते हैं ये भी बन गया। हम यहाँ फिर शेयर PDF पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हम सेव टू ड्राइव पे क्लिक करेंगे, ये आ गया, हम यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं ये भी PDF हमारी सेव हो गई। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की कि PDF किस तरह बनाते हैं और डॉक्यूमेंट्स को किस तरह रेडी करते हैं, क्योंकि बहुत से भाई लोग का डेली बेसिस पे यही एक सवाल भी आता है कि मेरी PDF बना दी, तो मेरा फ़ोटो बना दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आप अपने से देख के अपना डॉक्यूमेंट्स खुद से तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई भी कन्फ्यूजिंग या कोई भी अब सवाल आप लोग का इंशाल्लाह नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी कोई सवाल है, फिर भी कोई कन्फ्यूजिंग है तो नीचे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई जल्द से जल्दी दूँ। अगर अभी भी कोई आपका सवाल है, अभी भी कोई बड़ा इशू है, तो आपको मैंने अपना व्हाट्सअप लिंक दे के रखा है नीचे, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं मुझे और आप अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। पर उससे पहले आपको छोटा सा काम ज़रूर करना है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके शेयर से हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।